हाय गाइज, कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरा आवाज़ कुछ आपको ठीक नहीं लग रहा होगा, क्योंकि मेरा तबीयत ना कुछ दिन से ठीक नहीं था, तो अभी बहुत मैं थोड़ी बहुत ठीक हुई है। नंदिनी को आज मैगी खाना है नाश्ता में, तो मैं उसके लिए मैगी बनाने जा रही हूँ अभी। और आप लोग को एक बड़ी बात बताने वाली हूँ, जो जानते हैं वो जो मुझे जानते हैं वो लोग तो ये बात जानते हैं, जो नहीं जानते वो लोग को भी मैं बता देनी चाहती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरा 5वां महीना चल रहा है, इसलिए तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती है। कुछ जैसे बताया, कुछ दिन से तबीयत नहीं ठीक था, अभी थोड़ी ठीक हूँ। तो मैं आपके साथ वीडियो बनाना चाहती हूँ, आपके साथ बात करना चाहती हूँ। आपको मेरे वीडियो कैसे लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी मैं सुबह का नाश्ता बनाने आई हूँ। किस किस को सुबह में मैगी खाना पसंद है बताओ कमेंट करके। मेरा लड़की को तो मैगी खाना बहुत ही पसंद है, उसको रोज़ भी मैगी कर देंगी तो वो बहुत ही खुश है। मैं जब भी मैगी बनाती हूँ ना, सब्जी डाल के ही बनाती हूँ, ताकि वो मैगी में सब्जी देने से ना वो खा लेता है, नहीं तो ना उसको सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं ना वेज मैगी ही बनाती हूँ सब्जी डालकर। नंदिनी का मस्ती ना इस तरह से चलता ही रहता है, उसका मस्ती ख़त्म ही नहीं होता है। कभी कभी कैमरा के सामने आके ना जो भी मन करता है ना वही एक्सप्रेशन और ऐसा ही करते रहता है। मैं अभी दोपहर का खाने की तैयारी कर ली हूँ, सब्जी वगैरह काट लिया है। वो भी नहा के आ चुकी है, उसका नहाना हो गया है, उसका चोटी भी मैंने बांध दी है, और भी खाना भी मैंने गैस पर चढ़ा दिया है दोपहर का। तो अभी भगवान जी को भी सुला दिया गया है, इसलिए मैं
मैं यहाँ से आके भगवान जी को सुला दे चुकी हूँ। ले हम नीचे वाले फ्लोर में रहते थे, अभी ऊपर वाला हमारा ये घर आ गया है, तो एक एक करके ना चीज हो रहा है, थोड़ी बहुत भी बाकी है काम, तो वो भी हो रहा है थोड़ी थोड़ी करके, तो अभी घर का डोर हो गया है, बाकी काम भी हो गया है, थोड़ा बहुत बाकी है।